पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया तो देना पड़ सकता है 10,000 रुपये का जुर्माना और आपका पैन को इनवैलिड कर दिया जाएगा। जी हाँ, 31 मार्च 2020 की समय सीमा तक अगर आपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराते हैं तो उसके बाद निष्क्रिय पैन नंबर के इस्तेमाल पर आयकर विभाग आप पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है। इनकम टैक्स विभाग पहले ही इस बात की घोषणा कर चुका है कि आधार से लिंक नहीं कराने पर पैन कार्ड को निष्क्रिय घोषित कर दिया जाएगा। इसके बाद विभाग ने नई अधिसूचना जारी करते हुए कहा है कि पैन कार्ड होल्डर्स को पैन से जुड़ी जानकारी नहीं भरने के कारण आयकर अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट ने कहा है कि पैन कार्ड से जुड़ी गलत जानकारी देने पर 10,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही ऐसे लेन देन में जिसमें पैन कार्ड से जुड़ी जानकारियां भरना अनिवार्य होता है वहां पैन कार्ड का विवरण नहीं देने पर भी आपको जुर्माना लग सकता है। आमतौर पर अगर पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाता है तो कानूनन आप उस पैन कार्ड को कभी भी कोर्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसा करने पर आयकर अधिनियम की धारा 272B के तहत आप पर जुर्माना हो सकता है। यह जुर्माना 10,000 रुपये तक हो सकता है। हालांकि टैक्स से जुड़े मामलों में ही पेनाल्टी का प्रावधान है। हालांकि अगर पैन कार्ड को आधार कार्ड से आप लिंक करते हैं तो पैन कार्ड सक्रिय हो जाता है और लिंकिंग की तारीख से आपको किसी तरह का जुर्माना देने की ज़रूरत नहीं होगी। आधार कार्ड से लिंक नहीं करने पर जिन लोगों का पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाते हैं उन्हें ध्यान रखना होगा कि वे दोबारा पैन कार्ड के लिए अप्लाई ना करें, क्योंकि आधार लिंक करने के साथ ही पुराना पैन कार्ड एक्टिव हो जाएगा। पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक की आखिरी तारीख 31 मार्च 2020 है। इससे पहले सरकार कई मौके पर इन दोनों दस्तावेजों को लिंक करने की डेडलाइन बढ़ा चुकी है। इससे पहले पैन को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 1 दिसंबर 2019 थी। तो अभी तक जिन लोगों ने अपना पैन आधार से लिंक नहीं कराया है वो 31 मार्च 2020 तक अपना पैन लिंक करवा लें। आप खुद से भी अपना पैन और आधार लिंक कर सकते हैं। मैंने ऊपर आई बटन में अपना वीडियो दे रखा है। आप चाहे तो मेरे चैनल पे जाके मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं कि आप किस तरह से अपने पैन को आधार से लिंक करेंगे।